हेलो गाइस, वेलकम टू एपो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, एल आई सी एडीओ का मेल को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके बच्चों में बहुत ज्यादा क्वेरीज है। ठीक है, तो आज यही जो क्वेरीज है आप लोगों का, ये क्वेरीज को मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए बच्चों में जो फर्स्ट क्वेरी है कि सर कल जो मेल आया था और आज जो मेल आया था टोटली डिफरेंट है। कल मेल में सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके साथ साथ इंटरव्यू कब होगा, डेट कब है, टाइमिंग सब कुछ मेंशन था। आज का जो कॉल लेटर, आज का जो मेल आया, उस मेल में सिर्फ यही मेंशन है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो इंटरव्यू के लिए, आप जो डिविजनल ऑफिस में अप्लाई किए हो उसी डिविजनल से आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? अभी देखिए कल जो मेल आया था, ये सच है कि कल का जो मेल था उसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ था और आज का जो मेल है उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं है। अभी देखिए कल जो भी बच्चे का मेल आया, अगर उनको थ्रू मेल इनविटेशन मिला इंटरव्यू का, आपके लिए, आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए मेल में ही इनविटेशन आएगा। आप लोग उतना पैनिक मत होइए। आज है सैटरडे है, कल संडे है, एलआईसी बंद होता है। आप मंडे या ट्यूजडे तक वेट कर लीजिए, आप लोगों को हर चीजों का आंसर मिल जाएगा। हर चीजों में अगर आप लोग इतना पैनिक हो जाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान देना है। उसके बाद कल जो मेल आया था, मेल में एक चीज लिखा हुआ है कि वहां पर एमबीए का सर्टिफिकेट चाहिए। अभी बच्चों का कहना है सर जब नोटिफिकेशन आया हुआ था वहां पे एमबीए तो मेंशन था ही नहीं, तो अभी मैं एमबीए का सर्टिफिकेट कहां से लूं? जो दो नंबर पॉइंट है ना, कल का जो मेल है उसका दो नंबर पॉइंट पे देखिएगा, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, वहां पे मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद स्लैश देना भूल गया है। ठीक है, एक स्लैश देना भूल गया है। इसी के लिए आप लोग सोच रहे हो कि मैं एमबीए का सर्टिफिकेट लाऊं। नो, यहां का मीनिंग है मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, अगर आपने वो चीज मेंशन किया है, देन आपका मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपने एमबीए किया है देन उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो अगर आपने मेंशन किया तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो चीज है यहाँ पे जो स्लैश था, वो स्लैश देना शायद भूल गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं भी थोड़ा ध्यान से देखने के बाद ही मुझे भी ये गलती पता चला। ठीक है, तो अभी उसके बाद बच्चों को कहना है कि कॉन्ट्रैक्टेड सर्टिफिकेट। अभी कॉन्ट्रैक्टेड जो सर्टिफिकेट है वो क्या एक सर्टिफिकेट में दो पर्सन का साइन होगा या दो अलग अलग होगा? अभी कॉन्ट्रैक्टेड सर्टिफिकेट लाना है, अभी फिर से लास्ट जहां मैंने स्टडी किया था वहां से भी सर्टिफिकेट लाना है। अभी मतलब मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्टेड सर्टिफिकेट दो, मतलब ये वन टाइप ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो। ठीक है, ये दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? एमपी हो गया, एमएलए हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का गैजेटेड एम्प्लॉय हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेटेड एम्प्लॉय हो गया, या आप स्कूल, आप जो स्कूल से पढ़े हो अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है उनका प्रिंसिपल भी गैजेटेड ऑफिसर होता है, आपका प्रिंसिपल, आपका कॉलेज का प्रिंसिपल भी गैजेटेड ऑफिसर होता है, उनसे भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करवा सकते हो। दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद देखिए एक फॉर्म में दो साइन नहीं, दो आपको सर्टिफिकेट लाना है एंड दोनों को आपका साइन चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों कहना है कि सर मेरा स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मेरा कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। नो, ये इसका जो वैलिडिटी होता है वो 6 मंथ का होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात पे। ठीक है, उसके बाद और एक बात है कि सर और एक कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, लास्ट जहां पे मैंने स्टडी किया था। अभी ये कहां से ला? देखिए अगर मान लीजिए कि आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, लेकिन आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म दिया वहां पर सिर्फ आपने, आपका मेंशन ये है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएट, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, इन दैट केस उस जॉब के लिए, एलआईसी एडीओ का जॉब के लिए आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड सर्टिफिकेट होना पड़ेगा वो कॉलेज से आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स किया और वहां पे मेंशन किया तो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या हो गया? मास्टर्स हो गया। दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्टेड सर्टिफिकेट कहां से लाना है? आपका, आप अगर यूनिवर्सिटी से किया हो, यूनिवर्सिटी से ये मास्टर्स का सर्टिफिकेट लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद देखिए और बच्चों का कहना है कि सर मेरा यहाँ का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, नॉर्मल जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें बनता नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में है। अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा एक्सेप्ट करेगा? देखिए अगर आपका स्टेटमेंट डिजिटल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बन रहा है तो उसमें आपका क्या गलती है पहले वो बताइए, आपका तो गलती नहीं है। तो आपको अगर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है अगर उस फॉर्मेट में नहीं हो रहा है, तो अगर डिजिटल फॉर्मेट में दे रहा है, अगर क्राइटेरिया सारा बराबर है, जो क्राइटेरिया आपका नॉर्मल फॉर्मेट में जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन है अगर वही सेम टू सेम फॉर्मेट है, सिर्फ आपका डिजिटल है वो वाला डिजिटल नहीं है, उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए।
यही था आप लोगों का जो क्वेरीज था जो मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हर बच्चे को जवाब देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि हर बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रहे। आई होप आप लोगों का जो जो क्वेरीज है मैं सॉल्व कर पाया हूं, ठीक है। अगर स्टिल आप लोगों का कुछ भी क्वेरीज होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, अब कहीं पर भी अपना डाउट या क्वेरी आप रेज कर सकते हो, ठीक है, मैं उसको रिजोल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। आई होप मैंने जो आज आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।